तैयार है। ये वाला कॉइल कड़ा हमारे रिक्शे जो ऑटो रिक्शे होते हैं उनमें भी यूज़ होता है, CB 150, सुजुकी 150, होंडा 150, ये ज़्यादातर बड़ी बाइक्स में यूज़ होता है जिनमें जो सेल स्टार्ट होती हैं ज़्यादातर। इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल मिलेगी कि इसमें कौन सी गेज की वायर यूज़ हो रही है, इसमें अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक 3-फेज स्टेटर को वाइंड करना सीखेंगे जिसकी 18 कॉइल्स हैं। इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल मिलेगी कि इसमें कौन सी गेज की वायर यूज़ हो रही है, इसमें जो कॉइल्स के ऊपर टर्न्स होंगे वो कितने टर्न्स होंगे, वायर का वज़न कितना है इस जो 3-फेज स्टेटर में इस्तेमाल होगी, और उसके अलावा एंड पे हम कनेक्शन करेंगे स्टार या डेल्टा, उसकी भी आपको पूरी डिटेल मिलेगी, और वीडियो के आखिर में आपको इसकी डायग्राम से भी मैं बना के समझा दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो वायर होल्डर है इसको मैं उतार लूँगा और इसको यहाँ से मैं वाइंड करना शुरू करूँ। मेरे चैनल पर अपलोड है, उसमें मैंने CD70 और होंडा 125 का जो स्टेटर होता है उसको वाइंड करने का तरीका कंप्लीट डिटेल के साथ बताया है, आप वो भी जाके देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस स्टेटर में टोटल 18 कॉइल्स हैं, तो और ये है 3-फेज, तो हम 18 को 3 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास आएंगे 6 कॉइल्स, मतलब कि जो एक वायर होगी वो 6 कॉइल्स में घूमेगी, फिर दूसरी वायर 6 कॉइल में घूमेगी, और फिर तीसरी वायर 6 कॉइल्स में घूमेगी। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, किसी भी कॉइल से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से। पहले मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज कोई टर्न नहीं होती, सारी टर्न्स क्लॉकवाइज होंगी, इसमें मैं टर्न दूंगा, फिर उसके बाद ये दो छोड़ के इसमें आऊँगा, फिर दो छोड़ के इसमें, फिर ये दो छोड़ के इसमें, और फिर ये दो छोड़ के इसमें, और फिर ये दो छोड़ के इसमें। ये कितनी कॉइल्स कवर हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल इसके जो 7 वाली कॉइल है, जहाँ पे ये लगने इसके 7 वाली कॉइल से, क्योंकि एंड पे यहाँ से वायर हमने इसके अंदर से गुजारनी है, तो जो इसके 7 वाली कॉइल है वो ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक वायर लेनी है और उसको इतना निकाल देना है तकरीबन, फिर उसके बाद इसमें हमने क्लॉक वाइज टर्न देना शुरू करने हैं। इस तरीके से हमने इसको टर्न देना शुरू करना है, और किसी भी चीज़ से प्लास्टिक की इसको साथ साथ रखना है, ध्यान रहे कि टर्न ओवरलैप ना हो। इसमें हमने हर कॉइल में 34 या 35 टर्न देने हैं। इस तरह हर थोड़ी देर बाद इसको साथ साथ जोड़ के करना है, जिससे हमारे टर्न्स जो हैं वो पूरे हो जाएं। ये देख सकते हैं मैंने पहली लेयर मुकम्मल कर ली है, इसमें मेरे 15 टर्न आए हैं। इसी तरह मैं दोबारा इसके ऊपर करूँगा 15, और फिर इसके ऊपर 4 टर्न, और हर कॉइल पर 34 टर्न आएंगे। ये इसमें दूसरी लेयर भी कंप्लीट हो गई है, नीचे 15 टर्न दिए, ऊपर 15 टर्न दिए, टोटल हो गए 30 टर्न। अब इसके ऊपर हम 4 टर्न और देंगे, 4 या 5, 34 या 35, फिर उसके बाद हम शिफ्ट होंगे अगली कॉइल पे। इस पर हमारे 34 टर्न पूरे हो गए हैं, अब हमने जंप करना है इसके ऊपर। इसमें हमने क्लॉकवाइज टर्न दिए हैं, अब हमने इस यहाँ से आना है डायरेक्ट इसके ऊपर, इसके ऊपर हमने क्लॉकवाइज 34 टर्न देने हैं, फिर उसके बाद हमने इस पर आना है, फिर इस तरह आगे आगे आना है। ये जो हमारा दूसरी कॉइल है ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है, पहली कॉइल हमने स्टार्ट की थी क्लॉकवाइज टर्न, फिर हमने दरमियान में दो छोड़ी, फिर उसके बाद हम आए थर्ड वाली में, इसमें क्लॉकवाइज टर्न दिए। अब हम जाएंगे, ये दो कॉइल छोड़ेंगे, अब हम आएंगे इसके अंदर, इस कॉइल में। ये मैंने एक्स्ट्रा वायर इसलिए छोड़ी है, एंड पे हम इसको इसके ऊपर कर देंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊँ। अब यहाँ से इसके ऊपर टर्न करना शुरू करने हैं, एक्स्ट्रा वायर थोड़ी सी छोड़ के यहाँ से इस तरीके से। ये हमारी तीसरी कॉइल भी कंप्लीट हो गई है, पहली दो छोड़ी, फिर एक, फिर दो छोड़ी, फिर एक, अब ये दो छोड़ के हमने इस वाली कॉइल में आना है, इस वाली कॉइल में। सर ये हमारा स्टेटर, इसकी जो 6 कॉइल्स हैं वो वाइंड हो गई हैं। ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, क्लॉक वाइज हमने इसको टर्न्स दिए हैं, फिर दो छोड़ के, फिर दो छोड़ के इस तरीके से, दो छोड़ के इस तरीके से, तो अब हमारी जो एक कॉइल है ये बन चुकी है। इसी तरीके से अब हमने अगली लेनी है, और ये दोनों छोड़ के फिर इसको वाइंड करना है, ये दोनों छोड़ के फिर इसको वाइंड करना है, इस तरीके से। देखिए ये इधर वाइंड की है, ये इसमें से गई इसमें, इसमें हमने 34 टर्न दिए हैं, फिर ये इसके अंदर आई है, यहाँ पे हमने 34 टर्न दिए हैं, इस तरह ही सोन की। तो मैंने इस पर नंबरिंग कर ली है, A1 A2 A2 इसका एंड है, A1 इसकी स्टार्टिंग थी। अब हमने दूसरी कॉइल जो वाइंड करना शुरू करनी है वो A1 से आगे वाले पे वाइंड करना शुरू करेंगे हम। A1 के बाद अब हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है, इसको इतना बाहर रखेंगे हम वायर को, और इसको वाइंड करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने देने 34 टर्न।
ये हमारी दूसरी वाइंडिंग भी कंप्लीट हो गई है। देखें, पहली वाइंडिंग स्टार्ट हुई थी यहाँ से और यहाँ पे ख़त्म हुई है यहाँ पे, और जो दूसरी वाइंडिंग है वो है बी वन। बी वन स्टार्टिंग है और बी टू एंडिंग है। इससे अगली कॉइल से स्टार्ट हुई थी, ये दो कॉइल छोड़ के इसमें, ये दो कॉइल छोड़ के इसमें, इस तरीके से यहाँ पे बी टू पे एंडिंग आ गई। अब जो थर्ड कॉइल है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, दो कॉइलें छोड़ेंगी यहाँ पे, दो कॉइलें छुटेंगी यहाँ पे, इस तरह ये छुटेंगी यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा सी वन और ये सी टू। फिर इसके बाद हम इसका कनेक्शन करेंगे और इसको चेक करेंगे। अच्छा जी, जो हमारा कॉइल कड़ा है ये कंप्लीट वाइंड हो चुका है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू। ए वन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आके एंड हो रहा है, ये हो गया एक लूप। इसी तरह बी वन से लेकर बी टू तक का दूसरा लूप और सी वन से लेकर सी टू तक का तीसरा लूप। ये हमारी वाइंडिंग कंप्लीट हो गई। अब इसके हम इसके कनेक्शन करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर एपॉक्सी करेंगे। उससे पहले पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी समझा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है एक थ्री फेस स्टेटर, ठीक है, और ये हमारे पास इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स है वो है 18। मतलब कि ये जो कॉइल्स हैं ये टोटल हैं 18। उसके बाद आ जाता है हमारी वायरिंग टाइप। मैं इसके अंदर स्टार कनेक्शन करूँगा क्योंकि ये जिस बाइक का है उसके अंदर पहले स्टार कनेक्शन था, और आपके जिस बाइक में से डेल्टा कनेक्शन निकले आप डेल्टा कनेक्शन करें, जिसमें से स्टार कनेक्शन निकले उसमें स्टार कनेक्शन करें। मैं आगे आपको डेल्टा और स्टार के डिफरेंस भी बता देता हूँ और इसकी डिटेल भी बता देता हूँ। फिर उसके बाद जो वायरिंग मेथड है ना वो है कॉइल नंबर। अब इसके अंदर टोटल 18 कॉइल्स हैं। एक हमने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, एक कोई सी भी हमने एक कॉइल ले लेनी है, वहाँ से स्टार्ट करना है, उसको नंबर एक दे देना है। उसके बाद हमने दरमियान की दो छोड़नी है, चार के ऊपर वाइंडिंग करनी है, फिर दो छोड़नी है सात के ऊपर, फिर 10 के ऊपर, फिर 13 के ऊपर, फिर 16 के ऊपर। मतलब ये हमारा स्टार्टिंग था और ये हमारा एंडिंग है। तो मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया A1 और ये हो गया हमारा A2। इस तरीके से फिर हमने फर्स्ट कॉइल के सात वाली कॉइल है कॉइल नंबर टू, वहाँ से स्टार्ट करना है, फिर हमने पाँच नंबर कॉइल पे जाना है, फिर 8, फिर 11, फिर 14, फिर 17। तो ये हमारा हो गया B1 और B2। इसी तरीके से ये हमारा C1 और ये C2। ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है हमारी। इसके बाद हम देखेंगे जो हमने वायर गेज इस्तेमाल की है वो है 21 नंबर, और जो वायर का वेट है वो मैं लेके आया था 160 ग्राम, और जो टर्न है हर कॉइल पे जो टर्न दिए हमने, मतलब हर कॉइल के ऊपर जो टर्न हैं वो हैं 34 टर्ने। टोटल वायर लेके आया था 160 ग्राम, जिसमें से जो 150 ग्राम है वो हमारी कॉइल कड़े में लग गई है और ये बाकी की 10 ग्राम बची है, ये हमारी बच गई है। तो हमेशा ज़्यादा ही थोड़ी सी वायर लेनी चाहिए। उसके बाद हम इसके कनेक्शंस की बात करते हैं। देखें, थ्री फेस स्टेटर है, 18 कॉइल है, तो हमने क्या करना है, 18 को 3 से डिवाइड कर देना है, तकसीम कर देना है, तो हमारे पास आ गई 6। तो मतलब क्या हुआ, हमारी 6 कॉइल का एक लूप बनेगा। 6 कॉइल इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा एक लूप बनेगा। एक लूप कितनी कॉइल है ये देखें, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कॉइलों का एक लूप है। इसी तरह 6 कॉइलों का दूसरा लूप है, इसी तरह 6 कॉइलों का तीसरा लूप है। मतलब टोटल हमारे 3 लूप बने, ये हमारे 3 लूप हैं, एक स्टार्टिंग एक एंडिंग, ये हमारे टोटल 3 लूप बने। हर लूप में 6 कॉइल कवर हो रही है। इसके बाद बारी आती है हमारे कनेक्शन की, स्टार या डेल्टा। ये दो किस्म के कनेक्शन होते हैं। कुछ बाइक्स में जो इसका कनेक्शन है वो स्टार में होता है और कुछ बाइक्स में डेल्टा में कनेक्शन होता है। अब स्टार के क्या फ़ायदे हैं और डेल्टा के क्या फ़ायदे हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले मैं कनेक्शन की बात करूं तो सबसे पहले ये देखें, अगर हमने स्टार वाइंडिंग करनी है ना, तो देखिए ये A1 ये A2 है, ये B1 ये B2, ये C1 ये C2। इसमें हमने क्या करना है, अगर स्टार कनेक्शन करनी है ना, तो हमें जो कोई से भी 3 आपस में इनको जोड़ देना है, इनको यहाँ से स्क्रैच करके, क्योंकि ये कोटेड वायर होती है, और जो बाकी के 3 हैं ये हम यूज़ कर लेंगे, तो ये हमारा 3 फेज स्टेटर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर हमने डेल्टा वायरिंग डेल्टा कनेक्शन करने हैं, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा ये देखें A1 है A2 है, जो A2 है वो हमारे B1 के साथ जुड़ जाएगा, B1 के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से हमारी एक वायर निकल आएगी। जो B2 है वो C1 के साथ जुड़ जाएगा और एक वायर निकल आएगी, और जो C2 है वो A1 के साथ जुड़ जाएगा तो हमारी एक वायर निकल आएगी। तो मतलब क्या, स्टार कनेक्शन में हमारे एक कॉमन पॉइंट था और बाकी सब अलग अलग थे, तो यहाँ से हमारे कनेक्शन निकल आए। लेकिन डेल्टा में क्या होगा कि दो दो पॉइंट बनेंगे और उनमें से एक एक हमारा आउटपुट कनेक्शन निकलेगा।
डेल्टा के केस में क्या होगा, हमने जिस तरह यहाँ देखा है A1 A2 A2 B1 के साथ जुड़ जाएगा, मतलब कि ये जो हमारा है जो A2 है ये A2 है और ये B1 है, इनको आपस में कंबाइन करके एक वायर निकाल लेंगे। इसी तरीके से सॉरी A2 को B1 के साथ कंबाइन करके कनेक्शन निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हमारा B2 को C1 के साथ कर लेंगे, B2 को C1 के साथ कर लेंगे और C2 को A1 के साथ कनेक्शन कर लेंगे, तो ये हमारी तीन वायर्स निकल आएंगी, तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा। अब मैं इनके वो बताता हूँ कि डेल्टा और इसके कनेक्शन चेंज करने से फ़र्क क्या पड़ता है परफॉर्मेंस में। जो स्टार कनेक्शन होता है इसमें होते हैं हाई वोल्टेज, इसमें जो लो आरपीएम पे भी ना बाइक अगर है तो वो अच्छे वोल्टेज निकालती है, जबकि डेल्टा में वोल्टेज थोड़े से कम होते हैं। इसके अंदर जो स्टार कनेक्शन है इसके अंदर हमारे पास जो करंट है वो थोड़ा सा लो होता है, एज़ कम्पेयर जो डेल्टा कनेक्शन होता है इसका जो करंट है वो ज़्यादा होता है, मतलब कि इसका वोल्टेज ज़्यादा होंगे करंट कम होगा, खड़ी होगी स्लो आरपीएम पे तो ये बहुत अच्छा काम करता है, जबकि डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज कम होंगे और करंट ज़्यादा होगा, तो मतलब कि स्लो जब बाइक खड़ी होगी तो इसके वोल्टेज कम आएंगे। उसके बाद ये हीट कम होता है, ये हीट ज़्यादा होता है हाई आरपीएम पे, ये हीट बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर बाइक्स में स्टार कनेक्शन यूज़ होता है, ये कुछ बाइकों में यूज़ होता है। मैं आपको इसकी वायरिंग का एक बार फिर समझा देता हूँ। ये लिखा हुआ है एक, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब हमने यहाँ से ही काउंटिंग स्टार्ट करनी है। ये एक आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, देखें सबसे पहले नंबर एक, उसके बाद वो जंप करेगा तीन में सॉरी चार में, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक के बाद चार, फिर ये आ जाएगा हमारा सात, सात के बाद आ जाएगा हमारा दस, दस फिर तेरह, तेरह के बाद सोलह, सोलह यहाँ से हमारी आउटपुट आ जाएगी। ये हमारी एक लूप कंप्लीट हो गया। इस लूप में हमारी कितनी कॉइल्स आई हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉइल का हमारा एक लूप कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमने ये शुरू करना है, नंबर टू से स्टार्ट करना है, 2 5 8 11 14 17, 2 के बाद 5 8 11, 11 के बाद 14 और फिर 17 17, ये निकल आई। इसी तरीके से ये जो आखिरी है ये हमारी निकल आई। जो इसके टर्न हैं वो या तो आपने कॉइल क्लॉकवाइज करने हैं या एंटी क्लॉकवाइज। इसमें ये नहीं करना कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो है सीरीज 70 का मैग्नेट कॉइल कड़ा, उसकी वीडियो अपलोड है, वो भी आप जाके अकाउंट पे चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर सारी कॉइल्स एक ही सीमत में हमने वाइंड करनी है। हमारे पास ये तीन तारें निकल आई और ये तीन तारें निकल आई, ये होगी हमारी स्टार्टिंग, ये होगी एंडिंग, या स्टार्टिंग इसे क्या एंडिंग कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये वाला कॉइल कड़ा है थ्री फेज, ये ज़्यादातर बड़ी बाइक्स में यूज़ होता है, सेल्फ स्टार्ट बाइक होती हैं जो जैसे GS 150, CB 150, होंडा की, सुजुकी की, बड़ी बाइक्स होती हैं ये, उनके अंदर स्टेटर इस्तेमाल होता है। क्योंकि मैंने स्टार कनेक्शन करने, तो स्टार कनेक्शन में जो हमारे छः तारे हैं उनमें से जो उनके जो एंडिंग है उनको हमने कॉमन कर देना है, जो हमारी स्टार्टिंग है वो हमारे पास बच जाएगी। तो मैं इसको कॉमन कर दूँ या इसको कॉमन कर दूँ, इसको इस्तेमाल कर लूँ या इसको इस्तेमाल कर लूँ, एक ही बात है। तो अब मैं इसको यहाँ से स्क्रैच करूँगा क्योंकि एक कोटेड वायर होती है, और फिर इसको अच्छे तरीके से कॉमन करके यहाँ पे कर दूँगा, और जो ये हमारी होगी तीन हमारी आउटपुट वायर्स होंगी। उसके बाद एंड पे मैं इसके ऊपर इपॉक्सी करूँगा, जिससे क्या होगी इसकी लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी, हीट इसको डैमेज नहीं करेगी, अगर इसके ऊपर कोई चीज़ भी लग जाती है जिससे इसकी वायर की कोटिंग नहीं हटेगी वो इसको प्रोटेक्ट करेगी और कॉइल शॉर्ट नहीं होगी। इस स्टेटर के जो एंडिंग पॉइंट हैं अब मैं इनको कटर की मदद से स्क्रैच करूँगा और फिर इनको आपस में कॉमन कर दूँगा। तीनों वायरों के ऊपर से मैंने इंसुलेशन हटा ली है, अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा। देखें इस मैंने वायर को, तीनों वायरों को आपस में ज्वाइन कर दिया, अब हम इसके ऊपर सोल्डरिंग कर देंगे जिससे काम हमारा पक्का हो जाए। इसके ऊपर सोल्डरिंग होगी, ये पक्की होगी, अब हम इसके ऊपर स्लीव करके इसको यहाँ पे साथ टाइट कर देंगे। अब हम इसको मोड़ के इस तरीके से इसके ऊपर यहाँ पे टाइट कर देंगे। अब ये जो हमारी हैं ये हमारी आउटपुट वायर्स हैं, अब इसको हम मोड़ के इस तरफ लाएंगे, इसके ऊपर हम वायर्स लगाएंगे और इसको यहाँ पे पक्का कर देंगे। वायर लगाने से पहले हम इस जो कॉइल कड़ा है इसको हम चेक करेंगे क्या ये सही वाइंड हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमने इसकी जो तीन वायर्स थी वो कॉमन करके एक साइड पर कर दी थी, और जो हमारी स्टार्टिंग वायर्स हैं वो ये है हमारी, ये एंडिंग वायर हमने कॉमन कर दी है। अब इसको चेक करने का तरीका है, हम मीटर को रखेंगे कॉन्टीन्यूटी पे, तो उसके बाद हम इनको आपस में चेक करेंगे। ये कनेक्टिविटी शो कर रहा है, ये तीनों वायर्स आपस में एक दूसरे के साथ शो कनेक्टिविटी शो करनी चाहिए, और जो ये है ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट नहीं होनी चाहिए कोई भी वायर। ये देखें ये या ये,
ये आपस में कनेक्ट होनी चाहिए, लेकिन जो ग्राउंड है इसके साथ ये कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये वायर्स को मैं यहाँ से स्लीव लगा के इनको टर्न करके इस साइड पे ले आया हूँ। अब मैं इन वायर्स में ये मोटी वायर्स जो हमारी आउटपुट के लिए इस्तेमाल होगी ये लगाऊंगा। मैं इस तरफ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये हमारा यहाँ पे जो इसका होल्डर है, वायर होल्डर, ये लगा हुआ है। इस वायर के कनेक्शन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ थिम्बल। ये जो छोटे थिम्बल होते हैं उसकी ये पार्ट काट के, तो एक साइड से ये हमारी कॉपर वायर आ गई और एक साइड से हमारी ये वायर आ गई। ये लगा के इसको हम सोल्ड कर देंगे इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर हम हीट स्लीव चढ़ा देंगे। ये तीनों वायर सोल्ड हो चुकी हैं। कलर मैटर नहीं करता क्योंकि ये एसी वोल्टेज होते हैं। कलर मैटर रेक्टिफिकेशन के बाद जब डीसी वोल्टेज होते हैं तो हमें वायर्स का ध्यान रखना पड़ता है। इन वायर्स का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। अब हम इसके ऊपर करेंगे स्लीव। स्लीव करने के बाद हम इसको इसके अंदर से यहाँ से पकड़ के निकाल लेंगे, तो फिर उसके बाद हम करेंगे इसकी फाइनल टेस्टिंग। इसके अंदर वोल्टेज देखे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे। ये मैंने इसके ऊपर स्लीव कर ली है। वायर्स आपने अच्छी इस्तेमाल करनी क्योंकि इसमें से तकरीबन 8 से 10 एम्पेयर गुजरते हैं, तो वायर अच्छी इस्तेमाल करनी है। इसके बाद हम इन तीनों तारों को इकट्ठा करके एक और हीट स्लीव चलाएंगे। देखें, हमने इंसुलेशन का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि अगर कोई भी तार बॉडी के साथ टच हुई तो ये पूरा कड़ा ज़ाया हो जाएगा हमारा, मतलब कि शॉर्ट हो जाएगा और ये करंट आउटपुट नहीं देगा। अब हम इसके ऊपर एक पूरी स्लीव करेंगे और इसको इसके अंदर से पास करके यहाँ से इसको टाइट कर देंगे। और फिर अच्छा जी, ये हमारी अब ये बड़ी स्लीव भी हो गई, तीनों तार को इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसके ऊपर एक फाइनल स्लीव चढ़ाएंगे, हीट स्लीव, जो कि हमारी इसके अंदर आ जाएगी, जिससे ये पकड़ने से हमारी ये स्लीव डैमेज हो के वायर डैमेज ना हो। तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से और इसके अंदर रखेंगे इसको। अब इसको हम कस देंगे और हमारा मैग्नेट कॉइल करा रेडी है। ये अब हो गई इसकी ग्रिप। अब ये इस पर खिंच पड़ने से ये वायर डैमेज नहीं होगी। तो हमारी कॉमन वायर थी वो यहाँ से आके यहाँ पे आ गई है फ्री, और जो ये थी ये इस तरीके से। अब हम करते हैं इस स्टेटर की टेस्टिंग। मैंने दो वायर को इसमें 12 वोल्ट पॉजिटिव दे दिया और एक वायर को छोड़ दिया और एक ही लोहे की पतली ली है। अब हमने इसको कॉइल के पास लाना है और इसको ऐसे टच करना है। देखें, ये इसको जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसको अपनी तरफ खींचेगी। इस तरीके से आपने सारी कॉइल्स चेक कर लेनी है। तो अब हम अपने कॉइल कड़े पे करेंगे इपॉक्सी रेजिन। इपॉक्सी करना क्यों ज़रूरी है? ये इपॉक्सी रेजिन है, ये ए और ये बी, इनको बराबर मिकदार में मिला के इसके ऊपर हम लगाएंगे अपने कॉइल कड़े पे। ये लगाना क्यों ज़रूरी है? नंबर एक, इससे जो इसकी मजबूती आ जाती है क्योंकि ये हीट होता है। हीट होने पे इसके जो कॉइल के ऊपर वायर्स के ऊपर कोटिंग है ना, वो डैमेज होती है। जब हम इसके ऊपर इपॉक्सी कर देंगे तो वो डैमेज नहीं होगी और कहीं से भी हमारा कॉइल कड़ा शॉर्ट नहीं होगा, जिससे इसकी लाइफ अच्छी हो जाती है। अब हम इसमें इक्वल क्वांटिटी में ये डाल लेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। ये अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब हम इसको ब्रश की मदद से अपने कॉइल कड़े पे लगाएंगे। करके थोड़ा सा बराबर कर लेता हूँ। अगर आपके पास ये इपॉक्सी नहीं है तो आप इसकी जगह मैजिक क्लियर इपॉक्सी भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो मैग्नेट कॉइल कर रहा है वो इस वक्त बिल्कुल रेडी है। इसकी जो वार्निश लगा लें या इपॉक्सी कह लें, वो इस वक्त बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब ये लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये वाला कॉइल कड़ा हमारे रिक्शे, जो ऑटो रिक्शे होते हैं, उनमें भी यूज़ होता है। CB 150, सुजुकी 150, होंडा 150, ये ज़्यादातर बड़ी बाइक्स में यूज़ होता है जिनमें जो सेल्स स्टार्ट होती हैं ज़्यादातर।